स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है भी ये द गिवन क्वेश्चन, हाउ द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब गेट चेंज व्हेन अ सॉफ्ट आयरन इज इंसर्टेड इन द सोलेनाइड। तो क्वेश्चन में ये हमारा सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड है, इसमें हमने क्या किया, एक मैं सपोज ये मान लिया एक ये सॉफ्ट आयरन रॉड है, इसको मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया कुछ ऐसे, तो ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, बेसिक कन्फ्यूजन ये है भी आप सबसे पहले, क्योंकि ये एसी चैप्टर का क्वेश्चन है तो आप एक्सेल निकालते हैं, इसका एक्सेल इक्वल टू होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सेल्फ इंडक्टेंस। जब आप सॉफ्ट आयरन इंडक्ट करते हो, सॉफ्ट आयरन इसमें सॉलिनाइड में, तो आपको मालूम है जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनाइड। लेकिन जब आप उसमें कोर में, जैसे हमने इसमें सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दिया, तो जो एल का जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आ जाती है उसमें, और हमें मालूम है जो रिलेटिव परमिएबिलिटी उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी जो एल फाइनल है वो बढ़ जाएगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ इस केस में जो हमारा ये फिगर है, एल इंक्रीज़ हो गया। अगर एल इंक्रीज़ हो गया तो हमारा एक्सेल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ दिस इज एक्सेल इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं सोलेनाइड की। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो अभी क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है ऑन विच सोर्स यू आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स। मतलब अभी देखो, फर्स्ट केस में मैंने मान लिया अभी मैंने इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? डीसी सोर्स से। तो अगर मैं डीसी सोर्स से कनेक्ट करता हूँ तो डीसी सोर्स के केस में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़ीरो होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, यानी एक्सएल ज़ीरो है, यानी एक्सएल तो है ही नहीं। अगर एल बढ़ भी जाएगा तो एक्सएल तो ज़ीरो ही रहेगा ना, क्योंकि देखो अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो ही है तो एक्सएल चेंज नहीं हो सकता, वो तो एक्सएल ऑलवेज ज़ीरो रहेगा फॉर डीसी, डीसी के लिए हमेशा ज़ीरो रहेगा। चलो सर ये क्लियर हो गया। यानी अगर ये ज़ीरो जाएगा तो इस केस में सिर्फ रेजिस्टेंस ही रह जाएगी, जो कि पहले भी उतनी थी अभी उतनी है, यानी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। जब कौन सा सोर्स है हमारा? डीसी सोर्स है। तो ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है, डीसी सोर्स है जब, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या किया, अब हम इसको एसी सोर्स निकाल देते हैं। अब इसका एसी सोर्स सिर्फ इसको मैं रब कर देता हूँ, मैंने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब एसी सोर्स से कनेक्ट करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। देखो जब एसी सोर्स से कनेक्ट किया तो अभी एक बात बताओ भी, जब हम एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़ीरो थोड़ा नहीं होगी। ये पहले एसी सोर्स का सिंबल बना लेते हैं, जैसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं है, तो अगर एल बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा। एक्सएल बढ़ जाएगा यानी टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो सर्किट में करंट कम हो जाएगा। अगर करंट पहले से कम हो जाएगा तो जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। ब्राइटनेस इफेक्ट होगी क्या? नहीं। हाँ, इसमें ब्राइटनेस इफेक्ट होगी। क्या इफेक्ट होगी? ब्राइटनेस लोअर हो जाएगी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। यानी दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर हम डीसी सोर्स लगाते हैं तो नो इफेक्ट है, ठीक है, ऐसे याद करना। अगर एसी सोर्स लगाते हैं तो एल बढ़ने से, एक्सएल बढ़ने से, करंट कम होने से हमारी ब्राइटनेस भी कम हो जाती है। चलो सर ये क्लियर है।